हाँ, स्वागतम टू अनदर वीडियो। फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं डेमन स्लेयर सीजन 4 ट्रेलर। वो अनाउंसमेंट टीजर ने जो डेमन स्लेयर वालों ने डाला था, ना ब्रो ना, वी आर गोना से डेमन स्लेयर सीजन 4 एक्चुअल ट्रेलर जो अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ। एक्चुअली में फैन मेड है, डेमन स्लेयर ऑफिशियल नहीं है, बट इससे हम लोगों को पता चलेगा कि सीजन 4 कैसी होने वाली है। होती है ना, छोटी मोटी झलक मिल जाती है तो वैसे ही है। और वैसे भी यार, डेमन स्लेयर सीजन 4 आने में बहुत ज्यादा टाइम है, 1.5 साल वेट करना है। कौन करने वाला है? हम करेंगे। Okay, here you guys can see Demon Slayer Season 4 Infinity Castle Arc unofficial trailer. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि it's all about Infinity Castle Arc Season 4 के अंदर तो Hashira Training को include किया जाएगा, but पूरा Hashira Training से यार complete नहीं होगा, because Hashira Training 7-8 chapters है जो एक season में fit होगा ही नहीं। तो it's obvious Demon Slayer वालों को आगे तक animate करना पड़ेगा, because एक season के अंदर 30-35 chapters तक animate होती है। तो अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं Infinity Castle Arc trailer. Let's go. Original story, Koyoharu. ओके, वाइब तो है, वाइब तो है भाई। ओके, द नेक्स्ट मिशन लोकेशन इज ब्रो, दैट बीजीएम ड्रॉप एकदम जब होता है ना, ड्रॉप जब होता है ना, अंदर से भयंकर गुजबम पाता है। द इन्फिनिटी कैसे लगा, इसको एक बार फिर से देखो, एक सेकंड म्यूजिक के साथ ड्रॉप, खतरनाक भाई साहब। बीजीएम Zenitsu, dude, Zenitsu. हाँ, यहाँ पर जितने लोग कंप्लेन करे थे लास्ट सीजन भी, Zenitsu कहाँ पर है? सीजन 3 के अंदर दिखा ही नहीं। मैं बता रहा, इन्फिनिटी कैसल के अंदर तो एक कंप्लीटली डिफरेंट Zenitsu को देखने वाला है, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। सीजन 4 के अंदर भी हो सकता है, सीजन 5 के अंदर भी हो सकता है। अगर Hashira Training आर्क एक मूवी होगी तो 100% तुम लोग देखने वाले हो। और Zenitsu का ये लुक बस याद रखना डूड। भाई इसकी आंखें, भाई लुक एट हिज आईज, भाई गुस्सा है इसके अंदर, पक्का इसके सामने डीमन है। बिकॉज यू ऑल नो सानेमे डीमन्स को कितना ज्यादा नफरत करता है। सीजन 1 के अंदर देखे ना, वो इसका लास्ट एक्शन, उसके बाद दिखाया नहीं गया, तो डायरेक्ट हम लोग इन्फिनिटी कैसल के अंदर देखने वाले सानेमे को। बी रेडी बॉयज, ये तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर होने वाला है फॉर श्योर। आगे देखते हम। हाँ, ओ शिनोबु, शिनोबु डूड, दोनों एक साथ। भाई ये दोनों, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से अबाउट दिस टू, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, बस इतना ही बोलूंगा। भाई अपने दिल को लॉक कर ले भाई, तू रेडी नहीं है भाई इसके लिए। एंड आई ऑलवेज फील लाइक कि इगोर ओबनाई बहुत ही ज्यादा एक अंडररेटेड Hashira है, बिकॉज इसके बारे में कोई उतना ज्यादा बातचीत करता नहीं। तो या मैं तो बोलूंगा भाई सीजन 5 तक वेट करो, फिर उसके बारे में तुम लोगों को बहुत कुछ पता चलने वाला है। होपफुली तब वो इतना अंडररेटेड नहीं रहेगा भाई। बाकी यहाँ पर शिनोबु को देखने के बाद ही लग रहा है ना, शिनोबु बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, सामने कोई ना कोई है। एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली उसकी फाइट। हाँ, मस्त है भाई। ओए ओए ओए, ओ आकाशा डूड, लुक एट हिम। कई एंगल से नहीं लग रहा है कि एक फैन मेड ट्रेलर है भाई। ये फैन मेड कहाँ से है? डिटेल्स देखो भाई, आकाशा के डिटेल्स देखो, लुक सो जेन्युइन ब्रो, एकदम प्योर ओरिजिनल ट्रेलर लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर इन्फिनिटी कैसल के अंदर फाइनली आकाशा स्मूव एंट्री, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, एंड दैट्स ह्यूज भाई, ह्यूज। एक अनऑफिशियल ट्रेलर पूरा गुजबम दे रहा है अंदर से भाई। नाउ जस्ट इमेजिन जब ये एक्चुअली होगा तब कैसा लगने वाला है। पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क इज प्योर गुजबम, ये मेरे को काफी बढ़िया लगा भाई। बीजीएम देखो भाई, फील है, 360 डिग्री घुमा घुमा के दिखा रहा। Look at his eyes, bro. Looks so real. जिस बंदे ने इसके ऊपर काम किया, एनिमेट किया, deserves a clap, भाई। और रही बात डोमा की, yes, Infinity Castle के अंदर इसको भी देखने वाला, तो सारे जितने demons, Hashira, सबको एक साथ देखने में एक अलग ही मजा आएगा। And डोमा तो एकदम pure evil है भाई, बस इसके लिए wait कर ले। Oh, Kokushibo with six eyes. ये कौन है? Nezuko or what? ना, Nezuko नहीं है। कौन है ये? अबे ये तो वही है ना। अरे भाई इसका नाम क्या था? बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे को पता ही है कौन है, बट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार, हटो भाई। बट या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, जो तुम सोच रहे हो। अरे छोड़ो भाई, आगे देख। इसको पहचाना लॉन्डो, इसको पहचाना, दैट्स योर बॉय आकाशा। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस बैक स्टोरी, यू आर नॉट रेडी भाई, ये तेरे को रुला देगा भाई। एंड ये पूरी आर्क एकदम अलग लेवल पे जाने वाली, सीजन 4 इज समथिंग एल्स भाई। आकाशा गोना स्टील द शो भाई, एकदम 100%। खतरनाक डूड, ओह
जस्ट लुक एट हिम व्हाट दे हैव डन टू माय बॉय। आकाजा की फायर्ड, उसकी बैक स्टोरी काफी अलग है। मेरे को ऑलरेडी पता है तुम लोगों के फेवरेट डीमन में से आकाजा टॉप पे है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं फेवरेट है, बट जिन लोगों को बैक स्टोरी वगैरह के बारे में पता नहीं, फाइट के बारे में पता नहीं, फ्यूचर में क्या होने वाली है, यू आर नॉट रेडी भाई, तेरे को वेट करना ही पड़ेगा। आगे देखता है मुजान ने अप्रोच वर्सेस आकाजा, दैट्स व्हाट आई डिड, यूज बैक स्टोरी की झलक दिखी। एक सेकंड भाई, पॉज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से दिख रही है हमारी शिनोबुस, दैट मोमेंट ये उतना वो तो नहीं लग रहा है, बट या बंदे ने फाड़ो एनिमेट की स्टिल, बट शिनोबु बहुत रेज पर है और उसके अगेंस्ट में ये कौन है, डोमा डूड, यहाँ से दिख रहे हैं। और शिनोबुस अटैक के जो है ना थोड़ा लीव्स वगैरह हम लोग को दिख रहा है, और यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा पीछे जाए तो गियो तोमियो की बैक स्टोरी दिख रही है, थोड़ा और पीछे जा सकता है, और ये तो शायद तुम लोग को पता चल रही है कौन है अगर तुम डेमन स्लेयर फैन हो तो। आगे देखते हैं ये कौन है, अलग मस्त वीडियो आने वाली है पूरे सीजन 4 के अंदर। सारे भी क्यों में बता भाई, कहाँ से लग रही है अनऑफिशियल ट्रेलर भाई, अगर ये अनऑफिशियल है तो आई हैव नो अल्फाज। उफोटेबल वालों के इस बंदे को हायर करना चाहिए डूड। और यहाँ पर तुम लोगों ने जो लास्ट में देखा भाई, डेथ जेनेसिस पावर अप, अभी तुम लोग देख तो ये सोता रहता है फिर पावर आता है, एंड यहाँ पर ये तो अलग ही बंदा है भाई, जैसे मैंने पहले बोला कम्प्लीटली डिफरेंट जेनेसिस, जिसके लिए हम में से कोई रेडी नहीं है। जस्ट लुक We have to wait till 2024. और यहाँ पर बंदे ने क्या लिखा, This took me at least 500 plus hours and 6 months of pure animation and several months of learning animation software like Blender and After Effects. भाई मेहनत, This guy deserves a clap. बाकी वेट कर लेते हैं एक डेढ़ साल तक, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली हाशिरा ट्रेनिंग आर्क मेरे को चाहिए भाई, एक मूवी चाहिए, फिर इन्फिनिटी कैसल हम लोग सीजन 4 में इंजॉय करेंगे। तो या इस वाले वीडियो के अंदर फैन मेड ट्रेलर देखना था, ऑफिशियल ट्रेलर देखना था, इसके अंदर जो वाइब है दैट सेन अप भाई। ये वाली वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो हल्के से दबा दो लाइक बटन, अगर इस चैनल पर ना तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब कर लो, हमारा ही अपना चैनल है डूड, कर लो भाई, अगर नहीं किया तो कर दो यार, अगर कर दिया तो अरिगतो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।